हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बढ़िया हो। तो गाइज आगे ही बढ़िया रहना। तो गाइज आप भी रेसवेब पर किसी भी सॉन्ग को प्ले करने की कोशिश करते हो तो गाइज आपको वहाँ पर गेट प्रीमियम, यहाँ पर कुछ तरह का अनलिमिटेड लिरिक्स लिखा होता है और गाइज वहाँ पर आपको वॉच वीडियो और गाइज प्रीमियम लिखा होता है। प्रीमियम के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइज आपको वहाँ पर जैसे काफ़ी सारा प्रीमियम, जैसे कि आपको वहाँ पर पैसा पे करना होगा। और गाइज वहाँ पर आपको गेट वीडियो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो गाइज वहाँ पर आपको एड्स वीडियो देखने को मिलता है। तो गाइज इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि इसको आप कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हो या क्या करना होगा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज चलो बिना टाइम वेस्ट करते हो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और गाइज रेसवेब पर ये प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपना रेसवेब को ओपन किया तो देख सकते हो गेट प्रीमियम फॉर अनलिमिटेड लिरिक्स कुछ ऐसा लिखा है और गाइज यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियो टू गेट, यहाँ पर 60 मिनट यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है और यहाँ पर आपको गेट प्रीमियम वॉच वीडियो देखने को मिल जाएगा। वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस आपको एड्स देखने मिलेगा। गेट प्रीमियम के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि 119 और गाइस 49 और गाइस यहाँ पर आपको गेट 30 डे फ्री, जैसे कि 30 डे तक मिलेगा। जैसे कि जैसे आप इसको पे करते हो तो गाइस आपको जैसे कि 30 डे यहाँ पर आपको जैसे कि कोई भी एड्स नहीं आएगा, हाई क्वालिटी म्यूजिक इधर उधर लिखा है। लेकिन आप जैसे आप स्टूडेंट हो और गाइस आप जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम जैसे कि पैसा पे नहीं करना चाहते हो फिर भी गाइस इसको कैसे ठीक करना होगा मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज इसके लिए तो आपको जैसे कि दो काम आप कर सकते हो। गाइज पहला काम क्या है, जैसे कि अपना फ़ोन का सेटिंग पर चले आना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐप्स को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ इस तरह ऐप सर्च कर सकते हो, नहीं तो गाइज आप जैसे कि स्क्रॉल अप करके मैनेज ऐप्स, ऐप्स लिस्ट जो भी आपको मिल सकता है। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को ऐप्स मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पर आपको जैसे कि रेसवेब को पता करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना रेसवेब को पता कर लेता हूँ कहाँ पर है रेसवेब, उसको आपको उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको रेसवेब मिल जाएगा, आपका फ़ोन पर डाउनलोड है तो नहीं है तो गाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास रेसवेब है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रेसवेब मेरे को मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, स्टोरेज मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर आपको जैसे कि दो ऑप्शन मिलता है, क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस। तो गाइज आप क्लियर डाटा करके जैसे कि एक न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हो। न्यू आईडी कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि आपको एक न्यू नंबर लेना है, जैसे कभी भी रेसवेब पर लॉगिन ना हो तो गाइज उस नंबर पर जैसे डाल के आप OTP डाल सकते हो। तो गाइज आपको कोई भी एड्स इधर उधर का ये मैसेज शो नहीं होगा क्योंकि आपको 30 डे फ्री दिया जाता है जो न्यू आईडी है। और गाइज आपके पास न्यू आईडी नहीं है, जैसे कि आपके पास न्यू नंबर, न्यू जीमेल कोई भी नहीं है तो गाइज जैसे आपके पास पुराना वाला है तो गाइज आपको क्लियर कैचेस कर देना है सबसे पहले। और गाइज करने के बाद फिर से गाइज अपना रेसवेब को ओपन करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं जैसे कि सॉन्ग को प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम शो होता है। तो गाइज जैसे कि आपके पास तो पैसा नहीं है, यहाँ पर आप गेट प्रीमियम के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पर पैसा का मामला आ जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वॉच वीडियो आ जाता है। तो गाइज यहाँ पर आपको 30 सेकंड का एड्स वीडियो देखना है। तो गाइज आपको 1 घंटे का जैसे कोई भी कुछ टाइप का मैसेज नहीं आएगा, आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और गाइस यहाँ पर मेरे को 30 सेकंड का एक एड्स आएगा, उसके बाद मैं उसको स्किप करता हूँ तो गाइस मेरे यहाँ पर 1 घंटा फ्री हो जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एड्स वीडियो नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी यही सेम प्रोसेस करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एड्स आना चालू हो चुका है। तो गाइस अभी मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने 30 सेकंड का एक एड्स देख लिया, स्किप कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ तो सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही।